हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। और आज हम लोग बात करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अभी तक जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। इनपुट फंक्शन जो कि पाइथन के अंदर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट को एंटर कराने के काम में आता है, राइट? कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराने के यूज में हम इसको लेते हैं। नाउ we have another way of entering input through command line and that is command line arguments। तो हम क्या करते हैं, अपने input को argument के जरिए enter कराते हैं command prompt के through। Yes, हम लोग python के code को command prompt के through भी run कर सकते हैं। कैसे, वो आज हम इस lecture में देखेंगे। तो यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को समझने के लिए हमें उसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जो भी इनपुट हम कमांड लाइन के जरिए देते हैं उसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सिस मॉड्यूल के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए मेरे को सिस मॉड्यूल को जो है वो इनपुट कराना पड़ेगा, इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, सॉरी। नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, सिस मॉड्यूल के अंदर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आर्गवी नाम की लिस्ट के अंदर स्टोर्ड होते हैं, राइट? तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो आर्गवी नाम की एक लिस्ट के अंदर स्टोर होते हैं इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट? इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। याद रहिए हम लोगों ने इनपुट फंक्शन पढ़ा था और इनपुट फंक्शन में भी जो इनपुट हमारे पास एंटर होता था वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होता था, और अगर मेरे को एक इंटीजर यूज करना था तो मैं उसको इंट में टाइप कास्ट कर रही थी या फ्लोट में टाइप कास्ट कर रही थी, राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं इनपुट कमांड के जरिए भी देती हूँ तो भी वो किसके फॉर्मेट में होता है, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। लेकिन क्योंकि वो एक लिस्ट है तो हम उस लिस्ट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू नो स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग विद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से एक्चुअली उसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरे प्रोग्राम का होगा वो होगा इम्पोर्ट करना सिस मॉड्यूल को। क्यों? क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम सिस मॉड्यूल के थ्रू आज पढ़ रहे हैं। और भी मॉड्यूल्स होते हैं, बट फिलहाल वी विल बी स्टिकिंग आवरसेल्फ टू सिस मॉड्यूल, दैट इज सिस्टम मॉड्यूल, राइट? अब क्योंकि ये जो आर्गवी लिस्ट है, राइट? अब ये जो आर्गवी लिस्ट है मेरे आर्ग्यूमेंट की, इट बिलोंग्स टू सिस मॉड्यूल, राइट? तो इसको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, राइट? दैट इज सिस डॉट argv, राइट? तो इसको हम एक डॉट ऑपरेटर, क्योंकि argv क्या है हमें नहीं पता, argv बिलोंग करता है सिस मॉड्यूल को, तो उसकी एग्जिस्टेंस उसी मॉड्यूल के अंदर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें उसे सिस मॉड्यूल के नाम के साथ क्लब करके यूज करना है, तो एक डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसे यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है मैंने, इस प्रोग्राम का नाम है cmd.py। तो ये जो पूरा मेरा फाइल है उसको मैंने cmd.py नाम से सेव किया है और उसमें मैंने सिस मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट कराया है। अब मैं इस प्रोग्राम को कुछ इनपुट देना चाहती हूँ एंड आई वांट टू सी दैट इनपुट, मैं वो देखना चाहती हूँ कि वो इनपुट क्या है और वो argv के अंदर कैसे स्टोर हुआ, राइट? तो हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट सिस डॉट argv। सिंपल, हम सिर्फ अपनी लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। So this will be nothing but write a Python program to print command line arguments. So simple, हमने सिर्फ ये दो लाइन का कोड लिखा और अब मैं इसको Control plus S से सेव कर देती हूँ या फिर आप फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। रिमेम्बर हम पाइथन के कोड को रन यानी कि रन पे जाके F5 की से रन करते हैं, बट इस कोड को मैं यहां से रन नहीं करूंगी, हम लोग जाएंगे अपने सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो हियर इज माय कमांड प्रॉम्प्ट और अब हम लोग एक नया कमांड प्रॉम्प्ट यहां पर ओपन करते हैं, राइट? प्रॉम्प्ट पे आप देखेंगे कि मैं सी ड्राइव के अंदर हूं, लेकिन मेरे को पाथ चेंज कर वहां जाना पड़ेगा जहां पे मेरा ये cmd.py फाइल सेव्ड है,
राइट। तो मैं एक बार बस जल्दी से पाथ यहां पर सेट कर देती हूं, एप डेटा लोकल देन प्रोग्राम्स देन पाइथन देन पाइथन 3.9। तो ये मैंने पूरा पाथ चेंज कर लिया, आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप पे भी कॉपी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप कहें कि ये पूरा पाथ हमें कहां से मिलेगा, तो जहां पर आपकी ये फाइल बनी हुई होती है आप उस फाइल में यहां ऊपर देखिए कर्सर से ऊपर देखेंगे तो आपको पूरा पाथ यहां पर मिल जाएगा। तो अभी मैंने क्या करा, मैं वहां पर चली गई पाइथन 39 फोल्डर के अंदर जहां पे मेरा cmd.py सेव्ड है। यहां पर अब उस कोड को रन करने के लिए जो दो लाइन का कोड लिखा था, हम लोग टाइप करेंगे कमांड py, इट स्टैंड फॉर कि हमें पाइथन का कोड रन करना है, अपनी फाइल का नाम दैट इज सीएमडी स्पेस पाई, राइट, ये मेरी cmd.py ये आपकी फाइल नेम, और अब आप इसके बाद यहां पर देंगे अपनी आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट, राइट। तो अब आप इनपुट कैसे फाइंड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये आपका इनपुट है, ये आप कैसे दे रहे हो, यू आर गिविंग इट थ्रू कमांड लाइन, राइट। अब एंटर करके देखते हैं, एंड यस, अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो कोड आपने लिखा था प्रिंट sys.rgb, आप एक लिस्ट जो आर्ग्यूमेंट की है उसको प्रिंट करा रहे थे, तो अब आपकी स्क्रीन पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट प्रिंटेड है जो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो है cmd.py आपका फाइल नेम, और उसके बाद आपने ये जो भी वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरीके से स्टोर्ड है, राइट। तो यहाँ पर आपने जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी अब आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि सिस मॉड्यूल के थ्रू करते हैं, तो यस हमने सिस मॉड्यूल का यहाँ पर यूज किया। हमने कहा आरजीबी एक लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं लिस्ट जो होती है पाइथन के अंदर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर्ड होती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर हैं, दैट सिग्निफाइज कि ये वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग्स हैं, एंड हमने ऑफ कोर्स इसको sys.rgb से स्टोर कराया, तो दैट इज वेरी ट्रू। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज देखी। अब अगर हम चाहें तो हम इसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट है, राइट। तो अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे पास टोटल आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, तो what I can do, I can just pass this particular list into length function, और फिर अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से run करती हूँ, here, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से run करती हूँ, same command अगर मैं यहाँ पे देती हूँ, उसको run करते हैं, okay, मैंने save नहीं किया, तो उसको save करके अगर मैं इसको दोबारा से run करती हूँ, तो here, this time you will be getting 6 over here as the length of this argv, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने यहां पर अभी तक देखी। हमने एक चीज और देखी थी कि हम इस आर्ग्यूमेंट के एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये एक्चुअली करने की जरूरत क्या है, मींस व्हाई आई एम गिविंग माय इनपुट थ्रू कमांड लाइन, राइट। तो कई बार हमें रन टाइम पे इनपुट देने की जरूरत पड़ जाती है, तो तब उस केस में हम यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं, एंड प्लस अगर मैंने ये सिर्फ एक लिस्ट में स्टोर करा लिए तो उससे मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर पाती हूँ, या फिर जैसे ही हम अपने नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के कोड्स लिखते हैं, क्या हम कमांड लाइन में वैसे ही कोड लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा जो इंडेक्स हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, दैट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज थ्रू द लेंथ ऑफ योर लिस्ट। तो जो आपकी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है ये जीरो से शुरू होता है और उस लिस्ट तक जाता है, राइट। तो यहां पर अगर लेंथ इसकी 6 है तो cmd.py का इंडेक्स होगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, राइट। तो इंडेक्सिंग 0 से 5 तक रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं एक फॉर लूप लेती हूं फॉर आई इन रेंज, राइट। रेंज फंक्शन अभी हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं एक दो बार यहाँ पे। रेंज, रेंज हम यहां पर शुरू करते हैं फिलहाल 0 से टिल लेंथ ऑफ sys.argv, राइट। तो यहां पर ये हम लोगों ने अपने रेंज जो है वो सेट कर ली। अब हम यहां पे प्रिंट कराते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स,
राइट, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आई, राइट, एंड अगर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कराती हूं देन द वैल्यू विल बी सिस डॉट आर जी वी एंड हियर आई शुड पुट आई। लेट अस चेक कि ये रन करता है या नहीं। ओके, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कॉमा एंड आई राइट इट इज, राइट। तो ये थोड़ा सा और हमारे लिए विजुअलाइज करने में इजी रहेगा। तो कमांड पे जाते हैं वापस एंड आई विल बी एंटरिंग दिस पर्टिकुलर कमांड अगेन हियर। तो अगर आप देखें तो आर्ग्यूमेंट 0 इज योर सी एम डी डॉट पाए, 1 इज 1, 2 इज 2, 3 एंड 4 सो ऑन। तो हाँ, हम लोग अगर चाहें तो इंडेक्सिंग के थ्रू जो है इस कमांड के जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो जो जीरो वाला था हमारा cmd डॉट पाई, वो तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि ये कमांड्स जो हैं वो यहाँ पर बिलोंग करती हैं। अगर हम चाहें तो अब इसको मैं यहाँ पर कैंसिल करती हूँ और इसे जस्ट सेव करते हैं, कमांड पे दोबारा से रन करते हैं, तो आप देखेंगे इंडेक्सिंग वन से करने के बाद हमने जो है वो जो cmd डॉट पाई है उसको स्किप कर दिया और 1, 2, 3, 4 जो है वो हमारे एज इट इज प्रिंट हो गए, राइट। तो अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को एंटर कर सकते हैं, एज अ लिस्ट उसे व्यू कर सकते हैं और उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसके अंदर जो से हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, प्रिंटिंग ऑड नंबर्स, प्रिंटिंग इवन नंबर्स, तो क्या हम वो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के जरिए करा सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को।